17 फरवरी को इनेलो और बीएसपी संयुक्त रूप से हरियाणा में एक विशाल जन अधिकार सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला शिरकत करेंगे। यह बात आज सिरसा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से शुरू की गई अधिकार यात्रा को आमजन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं 17 फरवरी को होने वाली जन अधिकार सभा के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निमंत्रण दिया जाएगा और वो जरूर इसमें शामिल होंगी। और अब हमने जन अधिकार यात्रा शुरू करी है 1 दिसंबर से, जो लगातार 17 फरवरी तक चलेगी। 17 फरवरी को हम एक बड़ा जलसा करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। उस रैली को भी जन अधिकार के नाम से रखा जाए और उस रैली में चौटाला साहब भी आएंगे। जहाँ चौटाला साहब आएंगे वहीं उसके साथ हम मायावती जी को भी उसके लिए इनवाइट करेंगे और मुझे भरोसा है कि वो की बार हमारी रैली में जरूर आएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों की संयुक्त रैली होगी और वो एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई को आगे और कैसे लड़ा जाए, कैसे लोगों के साथ न्याय हो, उस बात को लेकर के फैसले लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री और केजरीवाल के आगामी दिनों में सिरसा दौरे को लेकर कहा कि जिन लोगों को कोई काम नहीं, उन्हें केवल उनका ही विधानसभा क्षेत्र दिखता है, जैसे वो यहाँ से कुछ हासिल कर लेंगे। वही मुख्यमंत्री ने तो उनके हलके में पिछली बार आकर भी 600 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से भी एक पर भी काम नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि 4.5 साल से केजरीवाल एक बार भी हरियाणा में नहीं आए, अब वो यहाँ आकर क्या करेंगे। जो जितने वेले लोग हैं जिन पे कोई काम नहीं है, उनको मेरा ही विधानसभा क्षेत्र दिखता है, वो सोचते हैं यहाँ से कुछ हासिल करके ले जाएंगे। लेकिन 17 का आपको इनविटेशन है, 17 को मेरे हलके के लोग आएंगे। मैंने तो बाहर वालों को इनवाइट भी नहीं किया। हलके का इलायदा जिले के कार्यकर्ता तो आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन एक्चुअल भीड़ जो है वो हलके के लोगों की होगी। मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले भी आया था और 600 करोड़ की घोषणाएं करके गया था। आज तक एक नया पैसा उसने यहाँ पे खर्च नहीं किया। केजरीवाल को 4 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, एक दिन भी हरियाणा के किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया। हम तो चाहते हैं केजरीवाल और ज़्यादा सक्रिय हो, ताकि जितना वो ज़्यादा सक्रिय होगा उतना ही सन 1987 और तेजी से आगे बढ़ जाएगा। वहीं नगर निगम चुनावों पर बोलते हुए कहा कि इन चुनावों में बीजेपी को अपने औकात का पता चल जाएगा, वहीं से ये सिर्फ ईवीएम के सहारे ही जी सकते हैं, वरना लोगों ने तो इन्हें साफ करने का मन बना रखा है। वहीं कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो पहले ही भाग चुकी है, कांग्रेस में किसी को भी समर्थन देने की होड़ सी लगी हुई है। उन्होंने अपने करनाल के उम्मीदवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें पहले दिन ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो इनेलो की उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी उन्हें समर्थन देने वालों की होड़ लग गई। मुख्यमंत्री किस तरह से तिलमिलाया हुआ है आजकल इस मेयर के चुनाव के अंदर, बीजेपी को अपनी औकात का पता लगे, इनके औकात सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि कोई ईवीएम के सहारे से तो कोई इलेक्शन जीत जाए तो दूसरी बात है, लोगों ने फैसला कर रखा है कि हम 100% इनको साफ करेंगे। जहाँ इनको साफ करेंगे वहाँ कांग्रेस अपने आप साफ है। कांग्रेस तो भाग चुकी है, कांग्रेस ने तो ऐसे ही समर्थन दे रखा है कि मैंने तेरे को समर्थन दे दिया। हमने करनाल में अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी के टिकट पर लड़े हुए MLA की उसकी वाइफ को उतारा है और वो हमारी समर्थित उम्मीदवार थी, हमने पहले दिन इस बात की घोषणा की। कांग्रेस वालों ने भी लाइन लगा दी उसके घर की, कभी कुलदीप ने जाके समर्थन दे दिया, कभी हुड्डा ने दे दिया, कभी सुमिता सिंह ने दे दिया। जिनसे समर्थन नहीं मांगा वो भी जाके उस पंक्ति में खड़े हो गए कि लो हमने आपको समर्थन दे दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांग्रेस की हालत कैसी है आज। कांग्रेस और बीजेपी स्वय जोड़ तोड़ के, स्वय लोगों को आपस में भड़का करके, लोगों को बांट करके इसी तरह की राजनीति में लगी हुई है। केवल दाव लगाने वाले लोग हैं, संघर्ष के बलबूते पे ये लोग सत्ता में कभी नहीं आए, इन्होंने तो दाव लगा करके सत्ता हासिल करी थी। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की नई बनी पार्टी जननायक जनता दल पर पूछे गए सवाल पर किनारा करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए।
चर्चा और भी है कि जन जन पार्टी का केजरीवाल की पार्टी के साथ, मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कोई काम बचा नहीं। एक चर्चा और भी है कि जन जन पार्टी का केजरीवाल की पार्टी के साथ, मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कोई काम बचा नहीं। वहीं राज नरबीर सिंह की डिग्री मामले पर अभय सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर डिग्री फर्जी है तो मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। अरे पढ़ी थी खबर अखबार में, अगर कोई फर्जी डिग्री है तो मुख्यमंत्री को उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जो लोग शपथ लेते हैं वो पहले संविधान की सौगंध खाते हैं। जांच करानी चाहिए, अगर फर्जी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।